एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महेश शाइन सैयद। आज आम का मुरब्बा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, दिखने में भी अच्छा है, खाने में भी टेस्टी है। इसे बनाने में मुझे आधे से पौन घंटा लगा है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इसे आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। बस इसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि बस इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और आम छीलते वक्त छीलने से पहले ही धो लेना है, छीलने के बाद में बिल्कुल नहीं धोना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो इसे मैंने कैसे बनाया है, तो मेरी रेसिपी शुरू से आखिर तक देखना, ट्राई जरूर करना। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइन सैयद। आज आम का मुरब्बा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 आम ले लिए हैं, उसका छिलका और गुठली हटा दी है मैंने, और ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। इस पर मैंने पैन रख दिया है, इसमें डाल देंगे ये आम। अब इसमें डाल देंगे चीनी, 1 कप चीनी डाल देंगे। ये 240 ग्राम है, तो हम इसमें डाल देंगे। आम खट्टे रहते हैं इसलिए मैं ज़्यादा चीनी डालूंगी। इन दोनों को मिला लेना है। यहाँ पर गैस की फ्लेम कम है। आम का मुरब्बा बहुत ही अच्छा लगता है, इसे आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। इसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि इसमें पानी का एक भी बूंद, मतलब एक भी इस्तेमाल करना नहीं है, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल करना नहीं है। और जब आम छीलते हैं तो छीलने से पहले ही धोना है आम को, छीलने के बाद में बिल्कुल नहीं धोना है। और छीलने के बाद में जब कटिंग करते हैं, गुठली में से अलग करते हैं आम को, तो उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। उसमें नमी रहती है तो वो निकल जाती है कपड़े से पोंछने से। तो ये दो बातों का ध्यान आप रखेंगे तो आपका मुरब्बा साल भर ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए शक्कर मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर गैस की फ्लेम कम है, मैंने कम ही रखी है। इसमें डाल देंगे 1 चुटकी नमक। नमक से मीठे का स्वाद बहुत ही डबल हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है मीठा। नमक डालने से उसका स्वाद उभर कर आता है मीठे का। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम थोड़ी बढ़ा देंगे, बहुत ही स्लो चल रहा है तो इसलिए बढ़ा देंगे। यहाँ पर इसे बनने में आधे से पौन घंटा लगता है। आम के मुरब्बे को एक तार की चाशनी बनते तक पकाएंगे। यहाँ पर इसे ढक देंगे और इसे पकने देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों चीनी के ऐसे बबल्स बनने लगे हैं। यहाँ पर सारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों चीनी धीरे धीरे ऐसे जमना शुरू हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेज पर गैस की फ्लेम कम कर देंगे, हाई थी तो कम कर देंगे, स्लो कर देंगे, स्लो मीडियम। यहाँ पर हम डाल देंगे इलायची के दाने, आप कुटी वाली इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि तार बना है या नहीं बना है, तो यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पर देखिए तार देखिए बन चुका है, तो यह इसका मतलब कि हमारा आम का मुरब्बा रेडी हो चुका है। गैस बंद कर देंगे और इसे 5-10 मिनट ऐसे ही ढक के रख देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों आम का मुरब्बा रेडी हो चुका है। मैंने इसे गैस बंद करके आधा घंटा हो चुका है, मुरब्बा भी ठंडा हो चुका है। यहाँ पर देखिए जेली की तरह दिख रहा है ये मुरब्बा, बच्चे को तो बहुत ही पसंद आता है, बड़े से लेकर बच्चों तक बहुत ही पसंद आता है सबको ये। तो यहाँ पर स्टोर कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने स्टोर करने के लिए कंटेनर, कांच के कंटेनर में भर दिया है इसे। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया है, इसे जैसे जैसे पुराना होते जाता है आम का मुरब्बा, जैसे जैसे पुराना होते जाता है वैसा वैसा बहुत अच्छा लगता है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ट्राई जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।